सरकार बच्चे की पढ़ाई के लिए खान पान का विशेष ध्यान दे रही, दूसरी तरफ प्रधान उड़ा रहे धज्जियां। पूरा मामला विकासखंड बरनाहा ग्राम पंचायत डलपुर प्राथमिक विद्यालय वासी है, जहां बच्चों के मिड डे मील के लिए आए गैस सिलेंडर 3 साल के पूर्व प्रधान दिनेश चंद्र यादव निवासी डलपुर अपने घर पर रखकर घर का खाना बना रहे हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए खाना आए दिन नहीं बनता, क्योंकि गैस का अभाव ईंधन एकत्रित नहीं हो पाता है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने कई बार शिकायत वर्तमान प्रधान बीएससीए मैनपुरी में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं प्राइम न्यूज चैनल के लिए नासिफ अली की रिपोर्ट मैनपुरी से। आप इस विद्यालय में कब से खाना बना रही हैं? 3 साल हो गए। क्या आपको कभी यहाँ गैस पे खाना बनाने का मौका मिला? नहीं, चूल्हे पे। क्या कारण है? स्कूल में सिलेंडर है? नहीं है सर। इसके आपने प्रधानाचार्य जी से नहीं कहा कि डीएम का आदेश है कि गैस पे खाना बनना चाहिए, चूल्हे पे नहीं? वंदना जी, आप अभी कहाँ से आ रही हो? कंडे लेके। किसने भेजा था आपको? क्या नाम है उनका? अच्छा, आप पढ़ने आई हो, कितना समय हो रहा है मालूम है? 12 बज गए। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल जी, आप ये बताइए हेडमास्टर महोदय कि क्या कारण है जो आपके विद्यालय में कंडों पर खाना बन रहा है? सर, जो है प्रधान जो है उनके यहाँ एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर बनाहर डाल दिया था, वो बीवर का रहने वाला था, वो मकान बेच के चला गया, 2 सिलेंडर किया जी। ये कितने समय से ये प्रक्रिया चली आ रही? 3 साल हो गए। 3 साल, 3 साल से चूल्हे पे खाना बन रहा है। क्या आपको ये मालूम है डीएम के आदेश है किसी भी विद्यालय में कंडे में या लकड़ी से खाना नहीं बनेगा? अब सर जो परेशानी इसी बात की है, हम दूसरा सिलेंडर लेने के लिए तैयार हैं, पैसा निकला नहीं अभी। पूर्व प्रधान से आपने कहा नहीं सिलेंडर घर पे क्यों रखे हो, विद्यालय का सिलेंडर? कई बार हमने कहा, जो हमने बहुत लोगों से शिकायत भी की।